Good morning, everyone. Welcome to the class, guys. Myself Saveri Sarkam, and I welcome you all to An Academy, India's largest learning platform. Guys, इस क्लास में जैसे हम स्कोर बूस्टर सेशन करते हैं उसी तरीके से मनी एंड बैंकिंग का ये आपके लिए स्कोर बूस्टर सेशन है. जल्दी से इस वीडियो के लिंक को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ पाए. और काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट माई ऑडियो इज क्लियर, माई वीडियो इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज वर्किंग वेल. गुड मॉर्निंग रविंदर, वेलकम टू द क्लास. ऑलराइट गाइज, सो आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी. गाइज, यहाँ पे आपके लिए एक शेड्यूल लिखा हुआ है. वेडनेसडे को आपको पता है हमारा स्पेशल क्लास फेस्टिवल होता है, इसलिए आपके लिए कल 9 PM भी क्लास है और कल 2 PM भी आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास है. 9 PM पेपर वन की क्लास है, जो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस चल रहा है वहां पे, जहां पे हम डेली पेपर वन और पेपर टू को सॉल्व करना सीखते हैं, वो आपके लिए कल क्लासेस है. आई एम वेल इंदु, हाउ आर यू, वेलकम टू द क्लास एंड गुड मॉर्निंग. और राइट, एक बार बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में. यहाँ पे गाइज, आपको हर वेडनेसडे को नए बैचेस मिलते हैं. और लिटिल अबाउट माई सेल्फ गाइज, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम SRCC, मास्टर्स फ्रॉम CESP JNU. आई हैव वर्क विद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन द कैपेसिटी ऑफ रिसर्च एसोसिएट एंड विद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, एंड आई हैव बीन योर ऑनलाइन मेंटर फॉर द पास्ट 2 ईयर्स. गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर वन और पेपर टू की तैयारी आप बहुत ईजिली हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं. यहाँ पे आपको 21 सब्जेक्ट्स मिलते हैं. गुड मॉर्निंग. All right. Thank you, Ravinder. Thank you for letting me know that everything is working well. Good morning, Renu. Welcome to the class. जिन लोगों को ये पूछना है कि प्लस में मैम मिलता क्या क्या है, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि लाइव क्लासेस मिलती है. यहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, मैम व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लस बताइए जरा. यहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग, लाइव डाउट सॉल्विंग भी मिलती है लाइव क्लासेस के साथ में. और गाइज, ये अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे आपको प्लस के साथ. इसका मतलब ये है कि आप मुझे ही नहीं, सारे एजुकेटर जो भी वहां पे हैं, हमारे 100+ जो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है वहां पे अनअकैडमी के साथ में, वो आपको पेपर वन और पेपर टू के लिए वहां अवेलेबल है. इस तरीके से यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कोर्सेज भी मिलते हैं, मतलब कि आपको सिलेबस को देख के एक एक चीज पहले दिन ही पता होगी कि इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हेलो रीनू, हाय मुकेश. ऑल राइट, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आइकॉनिक में क्या मिलता है आपको. पर्सनल कोच असाइन किए जाते हैं, आप कॉल असेस कर सकते हैं अपने एजुकेटर्स के साथ में. यहाँ पे आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और अगर आपको किसी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, SOP की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए भी आपको पर्सनल कोचेज यहाँ पे असाइन कर दिए जाते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि 24 मंथ्स के लिए द पर मंथ चार्जेस आर जस्ट फॉर ₹750. और आप देख सकते हैं इतने सारे फीचर्स आपको प्लस और आइकॉनिक के साथ मिल जाते हैं. गाइज, आपको करना यह है कि आपको Saveri10 यूज करना है कोड, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे से. बोथ फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सेम कोड आपको यूज करना है 10% डिस्काउंट के लिए. गाइज, आपको ऑलरेडी मैं दिखा पा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक प्लस का कोर्स कंप्लीट कर दिया, जो कि कंप्लीट क्रैश कोर्स है आपके लिए और विद MCQs करवाया गया है. प्लस ये जो ब्राउनी पीरियड आपको मिल गया है, मतलब एक एक्स्ट्रा पीरियड मिल गया है, इसको फुली यूटिलाइज करने के लिए जरूर प्लस पे आइएगा. द कोड रिमेन्स द सेम. यहाँ आप देख सकते हैं नए बैचेस जो हमारे कॉमर्स के लॉन्च हो चुके हैं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. और बग्स बाउंटी नाम से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं. गाइस, कल हमारा स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, वेडनेसडे है कल, और कल हम यहाँ पे अपने स्पेशल क्लासेस को एक्स्ट्रा लेंगे. कल आपके लिए 2 PM भी क्लास है और 9 PM भी क्लास है, जहाँ पे हम पोल से सब कुछ कंडक्ट करेंगे और लेक्चर के नोट्स भी वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग शिवानी. ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं तो फिर अपनी क्लास को. आज हमारा आज का जो मोटिव है वो ये है कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए अपने मनी एंड बैंकिंग वाले टॉपिक में से. तो जहां जहां पे भी करंट की कोई न्यूज है, जहां जहां पे भी MCQs की जरूरत है, जहां जहां पे भी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, वहां वहां मैंने वो एड ऑन कर दिए. ऑलराइट, तो सबसे पहले बात आती है कि बैंकिंग स्ट्रक्चर में एक बैंक का, एक कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है सबसे बड़ा. तो सबसे बड़ा रोल है आपका क्रेडिट क्रिएशन का.
गुड मॉर्निंग सुचित्रा, वंदना, प्रियंका, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे क्रिएट होगा? फर्ज कीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, चलिए मेरे पास 10 रुपए हैं, और वो मैं चली गई और 100 रुपए लेके, 100 रुपए है मेरे पास, थोड़ी सी अमीर हूं मैं, 100 रुपए है मेरे पास, और वो मैंने डिपॉजिट कर दिए एक बैंक में। अब वो बैंक को मुझे वापस करने या किस तरीके का डिपॉजिट है ये? डिमांड डिपॉजिट। अब ये पैसे बैंक को मुझे कभी ना कभी लौटाने पड़ेंगे, तो ये बैंक की लायबिलिटी में आ गया ये 100 रुपए। अब बैंक क्या कर रहा है, ये आगे लोन दे रहा है, ठीक है, 10 रुपए ये रिजर्व में रख लेता है, क्योंकि आरबीआई ने इसको बोला हुआ है कि अपना ना 10% ना अपने पास ही रखना, रिजर्व में ही रखना, ठीक है। उसके बाद 90 रुपीज आपके पास लोनेबल है, मतलब वो लोन दे सकता है, लोनेबल लिखना चाहिए यहाँ पे, लोन्स लिखा हुआ था एक्चुअली यहाँ पे, लोनेबल लिखिए कीजिए इसको कि लोन दिया जा सकता है इतने का, 90 रुपीज का। जिसको 90 रुपीज दिए उसने भी क्या किया, इसको बैंकिंग स्ट्रक्चर में ही वो लेके आया, चाहे इस बैंक के साथ नहीं, पूरे किसी ना किसी तरीके से किसी, फॉर एग्जाम्पल जिसको ये लोन दिया था उसको पेमेंट करनी है किसी और को, किसी और इंस्टीट्यूशन को, और वो इंस्टीट्यूशन भी अपना बैंक में ही पैसा जमा करवाता है, तो फिर से बैंक की लायबिलिटी आ गई 90 रुपए की। अब इसका 10% इज 9, वो आपको रखना पड़ेगा, और लोनेबल जो आप आगे लोन दे सकते हैं वो है 81 रुपीज। अब ये 81 रुपीज भी डिपॉजिट में आ गया, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं शुरुआत कहां से हुई थी, 100 रुपए से, वो आगे आगे कितने तरीके से मल्टीप्लीकेटिवली एक जीपी के फॉर्म में आगे आगे औरों को मिलता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक 100 रुपए से आगे चेन चल रही है विच इज क्रिएटिंग क्या, क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, पैसा क्रिएट कर रहा है। यस सिंधु, एब्सोल्युटली कर रहा है। गुड मॉर्निंग नेहा, कल्याणी, इस तरीके से हर पीरियड में आप इंक्रीज कर रहे हो। तो ये तो हो गया क्रेडिट आपका क्रिएशन, लेकिन कोई आपके पास इसके लिए सिक्योरिटी है? इंडिया के बारे में बात की जाए, अगर बैंक में पैसा पड़ा है आपका तो उसको क्रेडिट गारंटी चाहिए एक तरीके से। आपको क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या है कि अगर डिफॉल्ट हो गया और मैंने ये जो 100 रुपए डलवाए हैं ये मेरे तो चले गए, डिफॉल्ट हो गया बैंक की तरफ से, बैंक रन हो गया, बैंक के पास पैसे नहीं बचे, तो मेरे 100 रुपए तो गए, इसको कौन इंश्योरेंस देगा? तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बनाई हुई है, जो कि आपको 1 लाख तक का एक सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करती है। अगर गवर्नमेंट सही से सिक्योरिटी नेट नहीं प्रोवाइड कर पाए तो पब्लिक को कुछ हाथों में अपने लेना होगा, मतलब पब्लिक मॉनिटरिंग करनी होगी। बट अगर गवर्नमेंट अच्छी हो और वो इस तरीके से बैंक के किसी भी रिस्की बिहेवियर को नोट डाउन करके चलती रहे, तो पब्लिक मॉनिटरिंग मतलब लोगों का जो बैंक के ऊपर ध्यान रखना है कि बैंक कहीं रिस्की बिहेवियर में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो कम हो जाएगा। और इंडिया में ऐसा है, आपका जो गवर्नमेंट है आरबीआई के तरीके से, आरबीआई से बहुत ही अच्छे से मॉनिटरिंग करवाता है। एक और बार मैं रिपीट कर दूंगी, अभी ये वाला पढ़ लेते हैं, मॉनिटरिंग करवाता है। अब आप बताइए, आप खुद पब्लिक मॉनिटर करेंगे? आप आंसर दीजिए, अगर आरबीआई अच्छे से फंक्शन कर रहा है क्या पब्लिक मॉनिटरिंग की जरूरत है या नहीं? मैं पीछे वाला रिपीट कर रही हूं, आपके पास 100 रुपए थे, आपने वो बैंक में डलवाए और वो बैंक की लायबिलिटी बन गई। अब क्योंकि वो बैंक की लायबिलिटी बन गई है तो
वो उसको अपनी लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में लिखेगा। अब उसको उसका 10% क्या है, अपने रिजर्व में रखना है, तो 10 रुपए उसने रिजर्व में रख लिए और 100 माइनस 10 90 हुआ, जो कि वो आगे लोन दे सकता है। अब ये जो 90 रुपीज लोन दिया वो भी आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर में ही आएगा, तो 90 रुपीज ये आपके लाइबिलिटीज में फिर से जुड़ गए। अब इसका 10% 9 रुपए वो रिजर्व आपको रखने हैं, बाकी जो 81% है वो भी बैंकिंग स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और बैंक की लाइबिलिटी बन जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा और 100 रुपए का कुछ कुछ पार्ट बहुत सारे लोगों को, मल्टीपल लोगों को मिलता रहेगा और वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रेडिट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन हो रही है, नहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड वंदना, इंदु, प्रियंका, तो मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। आप लोगों में से भी कितने लोगों का बैंक में अकाउंट होगा, लेकिन बैंक किस जगह पे उसको इन्वेस्ट कर रहा है आप लोग नहीं देखते, क्योंकि अच्छे से चल रहा है, मतलब आरबीआई का काम अच्छे से चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है, कैश रिजर्व रेशो, कुछ फिजिकल फॉर्म में कैश रखना पड़ता है, और क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब कि एक तरीके से आपकी जो कैपिटल है उसकी मिनिमम परसेंटेज बैंक को बना के रखनी होती है, और क्या है, अगर बाय चांस बैंक के पास कुछ बैलेंस शीट में ऊपर नीचे हो भी गया तो वो गवर्नमेंट से लोन ले सकता है, या तो सिक्योरिटीज की फॉर्म में ले, जब वो रेपो रेट यूज करेगा, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, या फिर वो सीधा लोन के फॉर्म में ले, जिसे बैंक रेट कहते हैं। तो ये रेपो रेट शॉर्ट रन में और बैंक रेट लॉन्ग रन में, इस तरीके से आपकी डिस्काउंट विंडो कही जाती है, बोलते हैं इसको, ये अभी हम डिटेल में इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं जिसे जो गवर्नमेंट है वो मेंटेन करके रखती है एक तरीके से इंश्योरेंस। और एजेंसी कौन सी है, जो कि अगर आपका डिफॉल्ट हो जाए तो आपको पे करेगी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्लियर है ये, इज दिस पार्ट क्लियर, आगे चले। हाँ एक जगह पे है ना, मैंने बोला बैंक रन था कि वो लॉन्ग रन है और वहां पे लिख शॉर्ट रन दिया था, वो गलत है। मैंने प्लस में जब इसको दोबारा लिया तो मैंने लॉन्ग रन करवाया दोबारा से, इसीलिए मैंने वो वाली स्लाइड्स भी ऐड करी है आपके लिए। एक्चुअली हर कंट्री की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी लेती है, जब बैंक रेट बना होगा इनिशियली तो वो कुछ उसके शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन होंगे, लेकिन इंडिया में जो यूज हो रहा है वो लॉन्ग रन में यूज हो रहा है। ठीक है, आगे अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्काउंट विंडो भी अभी एक्सप्लेन करती हूँ। डिस्काउंट विंडो से आप बस ये समझिए कि किस तरीके से किसी रेट पे, मतलब चाहे रेपो रेट हो चाहे बैंक रेट हो, उस पे आपको आरबीआई या स्लैश गवर्नमेंट जो है वो लोन प्रोवाइड कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो बात हो गई ट्रस्ट की, कि गवर्नमेंट पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में ट्रस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो लीगल टेंडर है उसका कैश, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो ट्रस्ट है, जो इतना सारा गवर्नमेंट ने इतना सारा आपके लिए मॉनिटरी सिस्टम बनाया है, कि इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रस्ट खत्म हो जाए? क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? एक सिचुएशन आपके सामने है जिसका नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने डेट्स को पे करने के लिए, या यूं कहूं रिवेन्यू रेज करने के लिए, पैसे छापना शुरू कर दिया, मिंट करना शुरू कर दिया कैश को।
अब इस कैश को क्योंकि हम मिंट कर रहे हैं, तो यहां से गवर्नमेंट के अपने डेट एक्सपेंडिचर तो पे हो गए, बट क्या हुआ, पैसा करेंसी इतना सारा हाथ में आने की वजह से, इतने सारे पैसे आपके हाथ में बढ़ गए, क्या होगा, ज्यादा पैसे, ज्यादा लोग क्या करेंगे, उसको खर्चा करेंगे। अब ये ज्यादा लोग खर्चा कर रहे हैं तो ये करेंसी के फॉर्म में आ रहा है, तो जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा खर्चा कर पा रही हूँ तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने ये ही प्रोसेस करता रहा कि मैं हाइपर इन्फ्लेशन ही करता जा रहा हूँ और इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा हूँ और पैसे छाप रहा हूँ, अपना स्पेंडिंग को वहीं से फाइनेंस कर रहा हूँ, एकदम रेकलेसली ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन विल स्काई रॉकेट। और इस केस को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये तो बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन लग रही है मैम, ऐसा होता थोड़ी ना होगा, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। नो, दिस हैज हैपेंड इन जर्मनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ, जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल मान लिया गया कि यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सारे, जो वर्ल्ड में जितनी भी वॉर हुई है उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुई है, तो इन्हीं से पैसे आप लेंगे, इसी से जो है अपने लोन्स की तरीके से आप फाइनेंस करवाएंगे, ताकि सारे लोग जो है वर्ल्ड वॉर की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है ठीक हो जाए। तो अब जर्मनी के पास पैसा तो कोई है नहीं, ना ही ट्रस्ट है, और एक वर्ल्ड हेटरेट भी हो गई है उसके खिलाफ में। तो अब क्या हो रहा है कि जर्मनी को पैसे छापने पड़ रहे हैं जर्मन गवर्नमेंट को, और उसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। और कहां पे हो रहा है, वेनेजुएला में, अभी ये अभी की बात है, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। तो हाइपर इन्फ्लेशन का प्रैक्टिकली मैम मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कितना प्राइस बढ़ जाएगा। ये आपको जो पेन है, जो नॉर्मली अगर 10 रुपए का मिलेगा, वो आपको मिलने लग जाए 10,000 रुपए का, इतना ये मतलब है हाइपर इन्फ्लेशन का, इट इज दैट इंटेंस। हेलो गौतम, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू गौतम, चलें आगे आगे चलें, ये सब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, तो अब आप ये क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे। क्रेडिट कार्ड इज नोन एज, क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी, हार्ड मनी, इजी मनी या सॉफ्ट मनी? आंसर देंगे सभी लोग कि क्रेडिट कार्ड को आप क्या कहते हैं, एंड आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन इन अ वाइल। आदिल इज सेइंग वन, स्टूडेंट इज सेइंग वन, निशु सिंह सी, वंदना सिंह ए। चलिए देख लेते हैं एक बार, क्रेडिट कार्ड्स को आप प्लास्टिक मनी कहते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड को भी यू कॉल देम प्लास्टिक मनी, ओके। हार्ड मनी जो होता है, फिजिकल करेंसी जो भी होती है वो आपका हार्ड मनी, कॉइन्स हो गए, पैसे हो गए, ये दीज आर द हार्ड मनी, ठीक है, फिजिकल करेंसी, इन सभी को आप हार्ड मनी कहते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस भी है और जितने भी उसके सोल्यूशन है सारे पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंचा दूंगी। और गाइज वहां पे एक छोटा सा क्विज भी है आपके लिए, जिन्होंने लिया होगा उनको आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। वंदना करेक्ट, इंदु करेक्ट, स्टूडेंट करेक्ट, रीनू करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आर कंट्री अ चेक रिमेन्स वैलिड फॉर अ पेमेंट फॉर डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। कितने महीनों के लिए जो चेक है वो वैलिड रहता है, 5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 12 महीने के लिए या 9 महीने के लिए? चलिए आंसर देंगे।
क्विज नहीं देखी, कोई बात नहीं, अभी जाके कर लेना। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, प्रियंका ही सिंह बी, वंदना ही सिंह सी, आदिली सिंह 3 बी, स्टूडेंट सिंह बी, सुचित्रा ही सिंह ए, इंदु ही सिंह सी, रिनु ही सिंह बी, कल्याणी सिंह बी। 1 ईयर ओनली। चलिए सभी लोग यहाँ पे आंसर कर दे बी। ओके, तो 3 मंथ्स तक आपका वैलिड रहता है, बट ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो चेक तो स्टेल हो गया, तो जो जो ड्रॉई है, समझ लीजिए एसबीआई का आपके पास चेक है, ड्रॉई बैंक है जो ड्रॉ कर रहा है उसको, वो पेमेंट रिफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्सलीट हो गया। आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉयर जो मैंने, समझ लीजिए मैंने आपको कोई चेक दिया, मैंने ड्रॉ किया, मैं उसको रीवैलिडेट कर सकती हूँ उस चेक को, और फिर से आप उसको इनकैश कर सकते हो, तो वो स्टेल हो जाता है 3 महीने के लिए, और जो ड्रॉई बैंक है वो उसको मना कर सकता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं किस किस का करेक्ट आंसर आया है। मनप्रीत, दियानू पॉल, वेरी गुड, स्टूडेंट करेक्ट, सुचित्रा करेक्ट, आदिल करेक्ट, प्रियंका करेक्ट, निशु करेक्ट, कल्याणी करेक्ट, रीनू, वेरी गुड गाइस। चलिए आगे चलते हैं। द मेरिट ऑफ इशुइंग नोट बाय आरबीआई कैन बी सीन एज, जो मेरिट है मतलब पॉजिटिव्स हैं ऑफ इशुइंग बैंक नोट्स बाय आरबीआई, वो क्या क्या है, पॉजिटिव चीजें क्या होती है अगर आरबीआई ही बैंक नोट्स को इशू कर रहा है। यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी इन करेंसी, कंट्रोल ऑफ करेंसी, या ऑल ऑफ दी अबव। ऐसे रैंडम क्वेश्चंस भी आपने पास्ट ईयर्स में देखे हैं कि आए हो आ जाते हैं, एक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एनआई एक्ट पे पिछली बार क्वेश्चन आया होता है, ऐसे रैंडम टॉपिक्स पे आ जाते हैं, तो मेरा काम यहाँ पे यही है कि मैं आपको प्रिपेयर करके भेजू 100% अपनी तरफ से। आदिली सिंह बी, कल्याणी सिंह बी, इंदु सिंह बी, रीनू सिंह बी, प्रियंका सिंह डी, सुचित्रा सिंह डी। ऑलराइट गाइस, मुझे जरा बताना यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है। स्टूडेंट इज सेइंग डी, देख लेते हैं, मतलब कि सेम डिजाइन, आपके पास नोट हो मेरे पास नोट हो, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ब्लैक कलर का 2000 का नोट है और मेरे पास ग्रीन कलर का है, सभी के पास वो पिंक कलर का नोट है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखती है, चाहे एक ही तरीके के नोट के काफी सारे कलर्स भी हों, डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी उन सब में सेम रहेगी, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये असली नोट है या ये नकली नोट है। ये मेरिट हो गया। और क्या है, स्टेबिलिटी, मतलब कि आपको जो परचेजिंग पावर है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे जाके कोई डिनाई कर देगा, कि ऐसा नहीं है कि 2000 रुपए की वैल्यू यहाँ पे हरियाणा में, दिल्ली में कुछ डिफरेंट है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से वैल्यूज डिफरेंट है, स्टेबिलिटी मेंटेन होके रख रही है अक्रॉस द कंट्री। और इस तरीके से एक इम्प्लाइड आप ये देख सकते हैं कि जनरली जो एक नेशन है उसका प्राइस लेवल या परचेजिंग पावर भी कॉन्स्टेंट ही रहती है। कुछ चीजें समझ लीजिए गुड़गांव में कुछ चीजें रेंटल्स महंगे हैं, तो उसी तरीके से वहां पे जो और लिविंग कॉस्ट है, समझ लीजिए हाउस हेल्प की कॉस्ट है, वो वहां पे सस्ती होगी, तो ऑन एन एवरेज जो परचेजिंग पावर, सेम जो करेंसी है उसकी ऑन एन एवरेज सेम रहती है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, आपका एक सेंट्रल एजेंसी हो जा रही है जो कि क्रेडिट पे, मतलब कि कितना पैसा सर्कुलेशन में होगा वो कांस्टेंट रहता है। अब ये सारे फीचर्स आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर यू वुड कम अप विद बेटर एग्जाम्पल्स, सेम
सेम वैल्यू सेम कलर, वेरी गुड, होमोजीनियस, वेरी गुड वंदना। हाँ, रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं। हेलो सुचित्रा, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पवन कुमार, वेरी गुड, करेक्ट आंसर 18 का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी करेक्ट है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रेगुलेट द रीजनल रूरल बैंक, आरबीआई, नबार्ड, स्टेट गवर्नमेंट या सिडबी, कौन रेगुलेट करता है रीजनल रूरल बैंक को? राम राम जी, राम राम। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने क्विज में भी क्वेश्चन डाला था, जिन्होंने क्विज अटेंड किया है उनको करेक्ट आंसर पता होगा, अपनी गलती भी पता चल गई होगी। सुचित्रा बी, कल्याणी बी, पवन कुमार सी, वंदना बी, सुचित्रा इज सिंह बी, पवन कुमार इज सिंह सी, निशुई सिंह सी, रमेंद्र इज सिंह नबार्ड। चलिए एक बार सॉल्यूशंस देख लेते हैं। नबार्ड जो है वो रेगुलेट करता है रीजनल रूरल बैंक्स को, ये छोटी छोटी बातें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो पता होनी चाहिए, नबार्ड करता है। और गाइज, आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो, आप नबार्ड का एग्जाम भी ले सकते हो, ठीक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन नबार्ड जो है इम्पोर्टेंट आपका रेगुलेटर है, जो आता जो है आरबीआई जो है वो रेगुलेट तो करता है बैंक को, लेकिन किस तरीके के बैंक को रेगुलेट करता है? कमर्शियल बैंक। नेशन की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ तो है आरबीआई के हाथ में, लेकिन ये जो जो रीजनल रूरल बैंक है इसको स्पेसिफिकली नबार्ड के अंदर रखा गया है, ताकि वो एग्रीकल्चर को और आपके जो रीजनल रूरल जितने भी आपके कोऑपरेटिव्स हैं उनको समझे। इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी रूरल एरियाज में भी, और एक ओवरऑल हेल्थ के लिए आरबीआई तो है ही। मेजर स्टेक होल्डर चाहे नबार्ड का आरबीआई रहे, लेकिन आंसर आप नबार्ड ही करके आएंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रियंका, दियानु, अनिशु, इंदु, रीनू, मनदीप, रमेंद्र, सुचित्रा, वंदना, कल्याणी, वेरी गुड गाइस, बी वॉज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हु रेगुलेट्स द मनी सर्कुलेशन इन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड या कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, मनी सर्कुलेशन को? अभी मैंने बताया है इसका आंसर, लेट्स सी कि किसका करेक्ट आंसर आता है यहाँ पे। वेरी गुड स्टूडेंट, नबार्ड वॉज द करेक्ट आंसर। सुचित्रा सिंह बी, रमेंद्र सिंह बी, प्रीति सिंह बी, स्टूडेंट सिंह बी, वन्नई सिंह बी, इंदु सिंह आरबीआई, कल्याणी सिंह बी, पवन कुमारी सिंह बी। वेरी गुड गाइस, आरबीआई ही करेक्ट आंसर है, आरबीआई ही रेगुलेट करता है। क्यों करवा रही हूँ, मैच द फॉलोइंग में ना कहीं आ सकता है, बाय चांस गवर्नमेंट दिया हो, इसीलिए मैंने आज इस लेक्चर में क्या किया है। ऑल्दो आपका मॉनिटरी पॉलिसीज में अभी आपको करवाने वाली हूँ, और फिस्कल पॉलिसीज आप थोड़ा मैक्रो में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसी दोनों एक ही साथ डाल दी है, ताकि उसमें आप कंपैरिजन जो है वो ड्रॉ कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the objective behind the nationalization of bank? Nationalization of bank का क्या ऑब्जेक्टिव था? Removal of the control by few, थोड़े लोगों का जो कंट्रोल है वो हटाना, provision of adequate credit for agriculture, small industry and export units, adequate आपका credit मिले, मतलब उनको पैसा दिया जाए, चाहे लोन के फॉर्म में चाहे किसी भी तरीके से उनको पहुंचाया जाए क्रेडिट, वो आपको पहुंचे एग्रीकल्चर सेक्टर में। एनकरेजमेंट ऑफ द न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एक न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आए जिसको क्रेडिट मिले, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट।
आदिली सिंह डी, रविंद्र सिंह डी, पवन कुमारी सिंह डी, सुचित्रा सिंह डी, प्रियंका सिंह डी, मनप्रीत सिंह डी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या किस किस रीजन की वजह से होता है। आप ईयर हर जगह पढ़ते हो कि कब नेशनलाइज किए गए, उसकी हिस्ट्री के टाइप से, या देख लेते हैं उसका पर्पस क्या क्या था। आपका पब्लिक कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना कि बैंकिंग सिस्टम में, उससे पहले क्या हो रहा था कि काफी बार क्या होता, बैंक्स जो थे वो फेल हो चुके थे इससे पहले, तो बैंकिंग सिस्टम में वापस से अगर गवर्नमेंट के पास ही है वो सब कुछ, तो बैंक फेल कर नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा बेल आउट करवाने के लिए आ जाएगी इफेक्टिवली उसको। तो कॉन्फिडेंस आपका रीगेन होगा बैंकिंग सिस्टम में, और लोग लोन लेना भी शुरू करेंगे बैंक से। लोन लेना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको क्रेडिट मिल गया, लेकिन शुरुआत का टाइम सोचिए जब बैंक्स इतने ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, इतने ज्यादा फेमस नहीं है, तो उनको क्या कर रहे होंगे वो छोटे जो आपके लैंडलॉर्ड्स होंगे उससे जाके लोन्स ले रहे होंगे। तो एक तो उनको फॉर्मल सिस्टम में लेके आना, इसलिए रीगेन हो उनका कॉन्फिडेंस। और क्या है, आप मोबिलाइज कर पाए सेविंग्स को। एक कंट्री को हमने इतना पढ़ा है अपने सारे ग्रोथ मॉडल्स में, यही पढ़ा है कि सेविंग्स बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक तरीके से बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है किसका, मान लो भी इस मॉडल का, कि उन्होंने सेविंग्स को ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन ये 60s में आते आते हमें समझ में आ गया कि सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम रूरल से भी, अर्बन एरिया से भी। तो इसको आपने फॉर्मलाइज करने की कोशिश करी। थोड़ी लंबी हो जाएगी क्लास क्योंकि इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज करनी है, फिस्कल पॉलिसीज करनी है, और फिर कैपिटल मार्केट भी करना है रिवाइज को, और उसके बाद फिर से क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आज क्लास में। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, आप एक्सपैंड कर रहे हैं किसको, बैंकिंग फैसिलिटीज इन द रूरल एरिया एंड सब अर्बन एरियाज में। ठीक है, फैसिलिटीज भी जा रही है, आप ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं किसको, प्रायोरिटी सेक्टर्स को। पहले एक नेशन के प्रायोरिटी सेक्टर्स डिफाइन करें कि अरे ये जो सेक्टर्स है ना आपके, छोटे लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ट्रेडर्स और एग्रीकल्चरलिस्ट, उनको आपको पैसे देने हैं। क्यों देने हैं, यही तो खिला पिला रहे हैं आपको लोग, और यही पे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। इस तरीके से एग्रीकल्चर को और स्मॉल इंडस्ट्रीज को पैसा पहुंचाने के लिए आपको ये करना जरूरी था। और क्या है, इंश्योर करना डेवलपमेंट फंड्स का। ठीक है, डेवलपमेंट फंड्स का मतलब क्या है, जो कि आपको ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, और क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है इकोनॉमिक पावर की, क्योंकि अब रूरल सेक्टर में भी आप जा रहे हैं। पहले क्या था, सिर्फ अर्बन सेक्टर्स में ही आपको ज्यादा अच्छे से लोन प्रोवाइड हो रहा था, तो जो उद्योग है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनकी जो वैल्यू है वो सिर्फ अर्बन सेक्टर में हो रही थी, क्योंकि रूरल में तो उनको पैसे ही कोई नहीं दे रहा था। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन भी हुई, तो वो ऑप्शन में है ना, न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वो इस पॉइंट से आया है। और क्या है, रिड्यूस द रीजनल इनइक्वालिटीज, आप रिड्यूस कर रहे हैं रीजनल इनइक्वालिटीज को, ताकि आप पुअर की हेल्प कर पाए। सोनू 10 क्वेश्चन और है एंड में, हमने 7-8 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी, जैसे हम नॉर्मली करते हैं स्कोर बूस्टर सेशन में कि ज्यादा थ्योरी पे कंसंट्रेट करते हैं और क्वेश्चंस भी साथ साथ में सॉल्व करते हैं, वही है इस सेशन में भी। ठीक है, तो डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सबको क्लैरिटी है, किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों करवा रही हूँ इतना डिटेल में, अजर्शन रीजनिंग में आ सकता है ये पार्ट ना किसी तरीके से रीजनिंग में डाल सकते हैं कि नेशनलाइज करना जरूरी था क्योंकि, और फिर आपको पता होगा कि ये तो कोई रीजन नहीं था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक को जो है एक्ट आई 34 में, इनएक्ट कब हुई, 34 में बातें हुई, लेकिन इनॉग्रेट कब हुआ वो आरबीआई 1935 में। ये डिफरेंस जो है वो याद रखना कि बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट है वो तो 1934 की है, लेकिन आरबीआई इनॉग्रेट हुआ है 1935 में। जो पहले क्या था, जब आरबीआई इनॉग्रेट हुआ तो ज्यादातर ये जो इसके फंड्स हैं किसके हाथ में थे, प्राइवेट बॉडीज के हाथ में थे। ठीक है,
तो ये इट वॉज ओन्ड बाय द प्राइवेट शेयर होल्डर्स। लेकिन आज हम क्या जानते हैं, आज हम क्या जानते हैं कि जो उसके बाद से, एक्ट के बाद से आपके गवर्नर्स अपॉइंट हुए और टू डिप्टी गवर्नर्स अपॉइंट हुए, और ये कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक के पास अपॉइंटमेंट की वो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक तरीके से सेंट्रल बैंक का ही एजेंट है आरबीआई। ठीक है, चलिए और क्या है, आरबीआई के फंक्शंस पढ़ लेते हैं और एक्ट को ध्यान रखना। एक्ट के मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं, किस किस एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, ये वाली बात ध्यान से देखना, क्योंकि एक्ट पे भी आपने पास्ट ईयर देखे हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं। इट इज अ बैंक ऑफ इशू, मतलब करेंसी छाप सकता है, ये प्रिंट कर सकता है मनी को, और किस तरीके का राइट है इसके पास, सोल राइट है टू प्रिंट द मनी। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 22 में लिखा हुआ है ऑफ द आरबीआई एक्ट। जो ये करेंसी है इसको लीगल टेंडर मिला हुआ है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि करेंसी का लीगल टेंडर ले लिया गया हो, जरा बताओ मुझे चैट बॉक्स में। और ये लीगल टेंडर मतलब कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक एश्योरेंस है कि आपको ये जो पैसा है ये एक्सेप्ट करना ही करना होगा, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, लेने से मना नहीं कर सकता। वो कहाँ लिखा हुआ है, वो आपकी कॉइनेज एक्ट में लिखा हुआ है 2011। कहाँ प्रिंट होता है ये, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, और एक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड विच इज ओन्ड बाय आरबीआई। तो क्वेश्चन अगर आए कि जो प्रिंटिंग के लिए जो भी आउटलेट्स है दैट इज 100% ओन्ड बाय आरबीआई, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी आपका एक पार्ट मिंटिंग कॉर्पोरेशन को ओन करती है। डीमोनिटाइजेशन कब हुई थी, डीमोनिटाइजेशन रिसेंटली कब हुई थी, कितने हैं, चार हैं अभी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है। एक तो आपके महेश जैन ही है और एक राजेश्वर राव है, मुझे चारों के नाम यहाँ एकदम से याद नहीं है। एक पात्रा है तीसरे, और एक शायद रवि सहकार है, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी आपको डाउट आया है तो। हाँ, तो पहले भी हुई हुई है डिमोनेटाइजेशन, बिल्कुल सही तौसिफ। इसीलिए टेंडर की तरह, जैसे ब्रिज बनाया तो गवर्नमेंट ने ही है लेकिन उसको टेंडर तो किसी प्राइवेट पार्टी को दिया, उसी तरीके से बिल्कुल सही वंदना, 3 बार हो चुकी है। लेकिन उससे क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन से हुआ क्या, एक तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, बोलो कि लुकास ने रेशनल एक्सपेक्टेशंस बनाई और आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दिया। लुकास कहता है ना कि कोई एक्सपेक्टेड चेंज आएगा तो वो तो आप प्रिडिक्ट कर लोगे, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज लेके आओ। और क्या किया, ये लीगल टेंडर खत्म कर दिया इनका, नोटों का। उससे क्या होगा, एक्सेप्टेंस बंद हो जाएगी इन नोट की। ठीक है, बताया तो कि कॉन्ट्रैक्टर, कोई कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, बैंकर है, एक एजेंट है, जैसे अभी मैंने बताया एक्ट एज अ बैंकर, मतलब पैसे देने वाला, लोन देने वाला गवर्नमेंट को, एजेंट की गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उसको लेके जाए किसी के पास में कि ये लो भाई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, इनको खरीद लो, गिल्ट एज्ड है, ये बड़ी अच्छी है, डिफॉल्ट नहीं करेगा गवर्नमेंट। तो इस तरीके से एजेंट भी बने, एक एडवाइजर टू गवर्नमेंट भी बने कि गवर्नमेंट को बताए कि अभी डिमोनेटाइजेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी मॉनिटरी पॉलिसीज ली जाए, कोविड चल रहा है, किस तरीके से मॉनिटरी पॉलिसीज ली जाए ताकि स्लंप में से कंट्री को बाहर लेके आया जा पाए।
आरबीआई के पास ये ऑब्लिगेशन है, मतलब करना ही पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्ट करे गवर्नमेंट का बिजनेस, मतलब ट्रांजैक्शन, जैसे एटीएम पे गए, कार्ड डाला और पैसे आ गए, ट्रांजैक्शन हो गए, गए और कुछ खरीद आए, वो ट्रांजैक्शन हो गई। तो गवर्नमेंट के बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना आरबीआई की ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा, डिस्क्रिशन नहीं है कि भी कभी कर लिया कभी नहीं किया। ठीक है, स्ट्रेस दे के बात कर रही हूँ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट ही होगा। और क्या है, जैसे कि आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी बेची, बेचनी है, आरबीआई के थ्रू बिकवाई, और जो वो पैसा है वो आरबीआई एक्सेप्ट कर सकता है और वो सरप्लस उसको वापस गवर्नमेंट को ही देना है। गवर्नमेंट का तो सारे ही वाइट है भाई, मन सब कुछ वाइट है गवर्नमेंट का। चलिए आगे आए, फंक्शंस ऑफ आरबीआई पे आते हैं। क्या है और क्या फंक्शंस है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, बैंक का भी बैंकर है। किसी ने डिफॉल्ट, कोई बहुत मर्ज पे आपको पता चल गया कि एक बैंक है, एक बैंक से किसी इंस्टीट्यूशन ने, पावर जनरेशन ने समझ लीजिए, लोन लिया और ये प्लांट फेल कर गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, तो क्या होगा? अब सबको पता चल गया अगर ये कॉर्पोरेशन फेल हो गया तो ये लोन वापस कर ही नहीं पाएगा, तो बैंक के फेल होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर गए, है ना। अभी आरबीआई को भी पता है कि ऐसा हुआ है, तो इस बैंक को फेल करने से बचाने के लिए ये बैंक आरबीआई के पास उठ के जा सकता है कि प्लीज हेल्प मी आउट एंड द आरबीआई विल हेल्प इट आउट। तो ये बैंकर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट है। और क्या करता है, कंट्रोल करता है क्रेडिट को, कैसे, मनी सप्लाई के टर्म्स में, इंटरेस्ट रेट्स के टर्म्स में, कस्टोडियन है आपके फॉरेन रिजर्व का, मतलब सिर्फ इंडिया की करेंसी नहीं बाहर की करेंसी, फॉरेक्स का भी इंचार्ज कौन है, आरबीआई। अच्छा क्यों होता है, हाँ मल्टीपल रीजंस थे ना उसके, हाँ फिर आप ठीक है, ब्लैक मनी को फाइट करने के लिए ताकि वो सर्कुलेशन में वापस से आ जाए। ब्लैक मनी का मतलब क्या है, होर्डेड मनी, जिसकी होर्डिंग हो रखी है ताकि उसको उस पे से टैक्स इवेजन कर पाए, टैक्स ना पे करना पड़े आपको, तो उसको आप सर्कुलेशन में लेके आए ताकि उस पे टैक्स पे करना पड़े और वो अकाउंटेबल बने। क्लियर है ये सभी को? हाँ बिल्कुल सही वंदना। आगे चल रहे हैं, अब ये तो ये सारे फीचर्स क्या थे, मॉनिटरी फंक्शंस थे, पैसे को कंट्रोल कर रहा है ना, चाहे गवर्नमेंट के पैसे को कंट्रोल कर रहा हो, चाहे बैंक के पैसे को कंट्रोल कर रहा हो। अब कुछ उसके नॉन मॉनिटरी रोल्स भी हैं, नॉन मॉनिटरी जैसे कि सुपरवाइजरी रोल, मतलब कि एक तरीके से वो प्रधान बन गए, उसका सुपरवाइजर बन के बैठा हुआ है, किसके ऊपर, कहाँ लिखा है, और बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखा हुआ है कि जब नेशनलाइज कर रहे हैं आप आरबीआई को, कि बन तो गया था वो 1935 में, लेकिन अब उसको नेशनलाइज कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आरबीआई के कुछ सुपरवाइजरी रोल भी हैं, वो सुपरवाइजर टू द बैंकिंग सिस्टम भी है, मतलब कि किस तरीके से किसी बैंक को वो नज कर सकता है कि यहाँ पे आप क्या करें, एक्सपेंशन करें, यहाँ पे अपनी नई ब्रांच बनाएं, इस तरीके के रोल्स नॉन मॉनिटरी रोल्स हैं, यहाँ पे अपना एटीएम लगाओ, इस तरीके से ये आपकी जो है सुपरवाइजरी रोल है। और कुछ है प्रमोशनल रोल्स, प्रमोशन कैसे, आरबीआई को कौन सा, वो कॉम्पिटिशन में आरबीआई को क्यों प्रमोशन करने की जरूरत है, इसलिए ताकि हेल्दी हैबिट्स बैंकिंग की डेवलप करे। क्या 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 हेल्दी हैबिट्स, कि आप सेमी रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में भी जो लोग हैं वो एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं अपने बैंकिंग स्ट्रक्चर में, जैसे जनधन योजना
जो फिजिकल साइड से है उसको आप क्या करें, उसमें पैसे जमा करवाएं बैंक में, आप फॉर्मलाइज करें, बैंक से ही लोन लें और बैंक से ही गारंटी लें, गूगल पे, यूपीआई, भीम वगैरह क्या यूज करें, ये सारे आपका फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग लिटरेसी बढ़ाती है। ये क्लियर है? सुपरवाइजरी और प्रोमोशनल लोन्स कैसे नॉन मॉनिटरी हैं, ये समझ में आया? क्योंकि ये आप सिर्फ उसकी देख रेख पे इन्वॉल्व है, ये एक तरीके से आपको कुछ मॉनिटरी चीजों में चेंज नहीं कर देगा, कैश बैलेंस को नहीं चेंज कर रहा, पूरे के पूरे इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कितना पैसा है, इंटरेस्ट रेट है, उसको नहीं चेंज कर रहा, बट ये हैबिट्स को, मतलब बिहेवियर को चेंज कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहा है, थोड़ी सी इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मॉनेटरी साइड देखते हैं। क्या हुआ शुरुआत में, जब हम आजाद हुए 1951 से लेके 72 वाला फेज रहा, इसके अंदर डेवलपमेंट की जरूरत थी, तो गवर्नमेंट को भी बहुत क्रेडिट चाहिए था और बिजनेसेस को भी क्रेडिट चाहिए था। तो इस टाइम में आप नाम देते हैं उसको कंट्रोल्ड एक्सपेंशन, लेकिन ये थोड़ा कंट्रोल्ड एक्सपेंशन था नहीं उस हिसाब से। प्रैक्टिकली आप भी आगे बताती हूँ कैसे, आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे लोन्स तो दिए, लेकिन उससे क्या हुआ, आपका इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा। आपको पता था कि कंट्रोल्ड एक्सपेंशन करना है ताकि आप रिड्यूस कर पाए इन्फ्लेशनरी प्रेशर को, लेकिन अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि 1972 में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था। तब आरबीआई को 1972 में एक एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेटरी कह रही हूँ इन्फ्लेशनरी मॉनिटरी पॉलिसीज लेके आनी पड़ी, जिसके अंदर एकदम से जो इंक्रीज आया था प्राइसेस में वो कंट्रोल किया जाए। अच्छा, अजर्शन आएगा 1972 में जो आपको है एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज लेने की जरूरत पड़ी, तो उसके अंदर आप रीजनिंग क्या लिख के आएंगे, उसकी रीजनिंग आप लिख के आएंगे कि एग्रीकल्चर में फ्लक्चुएशन थी, किसके एग्रीकल्चर के प्राइस की, और उस टाइम पे गल्फ वॉर हुई थी। गल्फ वॉर से क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, क्वांटिटी डिमांड उतनी रही, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड बड़ी होने की वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस थे वो इंक्रीज हो गए, इन्फ्लेशन हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने अब बोला, अब मैं कंट्रोल्ड एक्सपेंशन को छोड़ के पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रेंट, कसा हुआ, कसे हुए होने की पॉलिसी ले रहा हूं। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये दोनों फेज क्लियर हुए, क्यों आए, क्या रीजनिंग लिख के आनी है, अजर्शन रीजनिंग में आ जाए, दोनों के फेजेस क्लियर हैं, कर लोगे ये वाले क्वेश्चंस? बताइए जरा चैट बॉक्स में, कुछ डाउट है यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसको कोई पार्ट समझ में नहीं आया गाइस? और मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ, आज 8 PM पे आपकी YouTube वाली क्लास है पेपर वन की, ठीक है? और कल आपके लिए दो क्लासेस हैं, एक क्लास का और आपके पास मैं ले सकती हूँ कल, आई कैन टेक 3 क्लासेस ऑन स्पेशल, मुझे टॉपिक आप बताना, ठीक है? अभी जब स्ट्रीम एंड हो जाएगी ना तो आप टॉपिक सजेस्ट करना, एक टॉपिक भी ले सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा PYQ उसका डिटेल चल रहा है स्टेप बाय स्टेप, और इस तरीके से पेपर वन का जो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस चल रहा है सारे के सारे 10 यूनिट्स का, वो चलता रहेगा। आप लोग एक टॉपिक सजेस्ट करना, मैं वो एक टॉपिक ले लूंगी, ठीक, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या हुआ, और नए नए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो खुलने लगे, आरबीआई के और एवेन्यूज जो हैं वो हमारे सामने आने लगे। फॉर एग्जाम्पल, बैंक रेट,
बैंक क्या है, बैंक रेट क्या है, ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसपे लोन लिया जाता है। तो मैम रेपो रेट भी तो था, अभी तो हमने बात करी थी रेपो रेट की, जिसपे आप बैंक लोन लेता है तो सिक्योरिटीज के फॉर्म में लेता है, और बैंक नोट आप सीधा लेंड करवाते हो सेंट्रल बैंक से। आपका बैंक रेट हमेशा ही पॉलिसी रेपो रेट से ज्यादा रहता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है। और अगर शॉर्ट टर्म में आपको तुरंत चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज बेच के आरबीआई को वापस तुरंत उनसे पैसा ले सकते हैं, ताकि ये सिक्योरिटी मार्केट में भी बैलेंस बना रहे। और यहाँ पे एक तरीके से आप कोलेटरल नहीं दे रहे होते, इंटरेस्ट ही पे कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं और कोलेटरल कोई गारंटी नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्योंकि रिस्की है इसलिए इंटरेस्ट रेट भी आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। आरबीआई ने इसके बाद 72 के बाद ये देखा कि आपके अंदर एनिमल स्पिरिट जिसे हम बोलते हैं वो कम हो गई है, खत्म होती जा रही है, इनोवेशन कम होती जा रही है। जिस उपलक्ष में आपने बैंक्स को नेशनलाइज किया था उतना हमारा सेटिस्फाई, उतनी ज्यादा क्या है ग्रोथ या एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज या बिजनेसेस इंक्रीज नहीं करने पा रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या लिया, चीप मनी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, जिसके अंदर आपने कहा कि आप चीप लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। उससे फिर प्रॉब्लम आने लग गई, रिस्की बिहेवियर बढ़ते गए, तो आपने क्या किया, बैंक रेट को बढ़ा दिया, बैंक रेट को बढ़ा दिया और 91 तक बढ़ाते गए, 10% से भी ऊपर लेते गए, ताकि कम लोन लिया जाए, ये जो डिफॉल्ट की सिचुएशन है वो कम हो। और ये 91 में आप सोच रहे हैं हर्षद मेहता स्कैम भी चल रहा है, तो बैंक को और कसने की जरूरत पड़ी वहां पे। इस तरीके से अब क्या है, 91 के बाद 95 से 96 क्या हो गया, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगी जब आप SLR बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, और जब आप कुछ 20% से 25% से भी ज्यादा आपका SLR पहुंच गया था, और CRR भी आपने, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, जो कि मिनिमम अमाउंट है जो डिपॉजिट का सेंट्रल बैंक के पास आपको होल्ड करके रखना ही पड़ता है, वो भी आपने बहुत बढ़ा दिया। तो एक तरीके से 50% इफेक्टिवली 50% जो लिक्विडिटी थी मार्केट में से वो खत्म हो गई। खादीजा ये अभी यहाँ पे आपकी पेपर 2 इकोनॉमिक्स की क्लास है और पेपर 1 की क्लास 8 PM है, ठीक है। तो आपकी लिक्विडिटी जो है जाहिर सी बात है क्या होगी, कम होगी, तो लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया, हाथ में पैसा ही नहीं बचा और बैंक आगे पे नहीं कर पा रहे। उसके बाद फिर ये भी कम किया गया, कॉन्टिन्यूसली कम करते रहे, और अभी आपका जो SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसके बारे में अभी मैं बात बताती हूँ उसमें क्या क्या आता है, और कैश रिजर्व रेशियो जो कि कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है, वो कर दिया 4%, SLR कर दिया 18%। एक बार सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। उसके अंदर कैश आता है, गोल्ड आता है, और अनइंकम्फर्ड मतलब कि जिन पे डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता, जो खराब हो ही नहीं सकती, ऐसी सिक्योरिटीज को रखा जाता है। जैसे मैं आपको बता रही थी SLR कुछ ज्यादा ही हो गया, 38.5% कर दिया था एक टाइम पे। उसके बाद कौन सी कमेटी आई, नरसिम्हा कमेटी आई, जिसने बोला कि आपको ये कम करो, 25% तक लेके आओ इसको, और आज आपका SLR जो है 18% है। अभी आप डिबेट खोल के देखेंगे, रिसेंट डिबेट ये कर रही है कि SLR को, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को खत्म ही कर दो, कि बहुत सारे देश है जहां पे SLR होता ही नहीं है, आप इनको खत्म कर दो। कोई डाउट है यहां तक, कोई किसी को डाउट यहां तक, इज देयर एनी डाउट,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज क्या है, आज क्या पॉलिसीज आप कर रहे हो कि आप 4% पे ही अपने रेट्स को मेंटेन करके रख रहे हो। कोविड के टाइम पे क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपैंड भी किया, अगर एक्सपेंशन कर दिया, क्रेडिट दे दिया, लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाते ही डिमांड करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से उनकी डिमांड भी जो है वो कॉन्स्ट्रेंट है, उतनी एग्रीगेट सप्लाई होगी नहीं, एकदम से तुरंत बिजनेसेस प्रोड्यूस करने लगनी जाएंगे, चाहे आप उनको क्रेडिट भी पहुंचा दो, तो इन्फ्लेशन बहुत इजीली बढ़ाया जा सकता है, इन्फ्लेशन जो है बहुत इजीली बढ़ सकता है। तो वहां पे आरबीआई कह रहा है कि मैं इंश्योर करूंगा कि मैं इन्फ्लेशन के टारगेट को भी कंट्रोल्ड रख रहा हूं। क्योंकि वो एक चीज लॉन्ग टर्म की है और उसपे वो कोलैटरल ले नहीं रहे हैं बैंक रेट पे, और उसके अंदर रेपो रेट में वो सिक्योरिटीज वापस कर रहे हैं, तो कुछ फायदा तो मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज थी, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रख के बैठे हुए थे बैंक, तो इसलिए उनको कुछ फायदा मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए इस चीज का, तो इसीलिए वो बैंक रेट और रेपो रेट को डिफरेंट रखा गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, अगर बाय चांस ओवरनाइट क्या हुआ, आपको तुरंत ही लोन लेना है एकदम ओवरनाइट, तो आप किस विंडो से लेते हैं आरबीआई की, ये आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज से लेते हैं, तुरंत ही लेना है आपको, ठीक है, ओवरनाइट कुछ गड़बड़ हो गई, इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई। और अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर इतनी बुरी हालत है आपकी, तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन की जा सकती है, आपसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करवाऊंगा मैं, किसको, रेपो रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लूंगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फिर अब मैं आपको ना फिस्कल पॉलिसीज करवा रही हूँ, ये पार्ट आपका मैक्रो का है, पब्लिक फाइनेंस का है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ ताकि कंपैरिजन आप कर पाए, क्योंकि अगर कभी लिखा हो ये मॉनेटरी पॉलिसीज है या ये फिस्कल पॉलिसीज है, उसमें आप कंपैरिजन कर पाए। तो अब जो फिस्कल पॉलिसी है उसके अंदर क्या सबसे बड़ा मेन पार्ट क्या है, आपकी गवर्नमेंट को टैक्सेशन करना है। किस चीज के लिए आप टैक्सेशन करना है, गवर्नमेंट का कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि कोई कैपिटल खरीदनी है, या करंट एक्सपेंडिचर हो गया, जो भी उसके करंट टर्म्स में कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो गया, ट्रांसफर पेमेंट्स देनी है किसी को, पेंशन फंड्स की तरीके से देना है, या फिर कोई रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप इसके लिए अलग अलग टैक्स लगाते हैं। तो अब ये देख लेते हैं, सिर्फ फिस्कल पॉलिसीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, और क्राइसिस की सिचुएशन है, ये मैं हमने पहले किया हुआ है, क्राइसिस की सिचुएशन है, और इस पे हमने एमसीक्यूज भी देखे हैं। क्राइसिस की सिचुएशन क्या मतलब है कि देखिए एक कंट्री है जहां पे इतना ज्यादा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से अनइंप्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, एकदम स्टैग्नेशन आ गई है, उस टाइम पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी को वापस निकालने के लिए आप किस तरीके से फिस्कल पॉलिसीज लेंगे, किस तरीके की फिस्कल पॉलिसीज लेंगे आप, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है तो इस तरीके की फिस्कल पॉलिसीज को क्या कहेंगे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज, मतलब कि आप कैश बढ़ाएंगे इकोनॉमी में, और किस तरफ से बना रहे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से बढ़ा रहे हैं, ना कि इंटरेस्ट रेट्स कम करके। इंटरेस्ट रेट्स का कम करना इस सिचुएशन में
इट इज अ मॉनिटरी पॉलिसी. और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हो इसीलिए बता रही हूं, आईईएस कर्व को शिफ्ट करवाना आपकी एक तरीके से फिस्कल साइड से आ गया, गुड्स मार्केट से आपका चेंजेस आ गए. वेरी गुड सुचित्रा. अब दूसरी सिचुएशन बताओ, पैसा बहुत है लोगों के बारे में, एक इकोनॉमी जो है वो इस बलून जैसे है जिसको आप भरते ही जा रहे हो, भरते ही जा रहे हो. 2008 में भी ऐसा हुआ था, जिसके बाद किसकी सिचुएशन आई थी, सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस की, जिसमें बूम हो गया था, बस्ट हो गया था सारा आपका बबल. इस बूम को, क्योंकि आपको बूम के बाद क्योंकि बस्ट आता है, इस बूम को आपको कंट्रोल करना होगा. ये जो इंक्रीज इन ग्रोथ हुआ है उसके बाद पता है कि धड़ाम से इकोनॉमी जो है वो नीचे गिर सकती है. हमारे पास ऐसे फोरकास्टिंग से भी है और पिछले एक्सपीरियंसेस भी हैं. तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आपके हाथों में से पैसा कम कर देना चाहिए. और सबसे अच्छा उसके लिए टूल क्या है, टैक्स को इंक्रीज कर देना फिस्कल साइड से. ठीक है, आप टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं. अगर क्या हो रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज लेने की जरूरत है, और अगर आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज लेनी है तो आप कर सकते हैं रिड्यूस टैक्सेशन कर सकते हैं. तो ये आपकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज में कंपैरिजन मेक कर पा रहे हैं आप. मैं लिंक भेज रही हूँ, बाकी सबके लिए भी लिंक भेज रही हूँ. टेलीग्राम ग्रुप पे गाइस, अब मैंने ना क्विज शेयर करना भी शुरू कर दिया. आज फर्स्ट क्विज थी वहां पे, मेक श्योर कि आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें. छोटे छोटे पांच पांच क्वेश्चन की ही है, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है. ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की. डिस्क्रिशन मतलब वो ले सकता है, ठीक है, इस तरीके की डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज मतलब वो ली जा सकती है. किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है, उसकी डिस्क्रिशन में आता है, अवेलेबल है उसको ये अपॉर्चुनिटी. एक क्वेश्चन है ये पास्ट ईयर में, मुझे पता है आप सुचित्रा आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैं वो क्वेश्चन ही ऐड कर दूंगी एक स्लाइड में, ठीक है, ताकि उसकी कंफ्यूजन ही चली जाए. चलिए कैपिटल मार्केट शुरू कर रहे हैं, और जल्दी से मुझे कैपिटल मार्केट की जो है डेफिनेशन दीजिए. लेट मी असेस कि कैपिटल मार्केट को आप में से कौन सबसे अच्छा डिफाइन कर सकता है, और फिर उसके क्या क्या अलग अलग मार्केट्स हैं, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं. ये सिलेबस में आपका पार्ट मेंशन है तो ये करना जरूरी है, और इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. चलिए कहीं पे भी लॉन्ग टर्म अगर डेट और इक्विटीज का आप एक आपको कोई मार्केट दी जा रही है, उसको आप कह रहे हैं कि वो आपकी गजन एक्सक्यूज मी हाँ उसको आप कह रहे हैं कि वो कैपिटल मार्केट है.
अब इस कैपिटल मार्केट के दो पार्ट है इस तरीके के ट्रेड करने के लिए, आपके पास दो पार्ट है, क्या क्या है? एक है प्राइमरी मार्केट, नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि पहले आया होगा। प्राइमरी मार्केट में आप क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टली जो इश्यूअर है, मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना कोई स्टॉक बेचने हैं, ठीक है, पहली बार, तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्राइमरी मार्केट पे जाऊंगी। और किस तरीके के इक्विटी बैक सिक्योरिटीज को, मतलब कि पैसा है, लोन नहीं है वो, मैं अपनी कंपनी के अगर शेयर सबसे पहले बार कहीं पे जाके कैपिटल मार्केट में देना चाहूँ, कहाँ दूंगी? प्राइमरी मार्केट में दूंगी। और उसके बाद अगर ये जो मुझे मिल गए हैं ये मैं कंपनी को वापिस नहीं कर सकती हूँ, प्राइमरी मार्केट में जो खरीदी हुई सिक्योरिटीज है उनको मैं वापिस कंपनी को नहीं दे सकती हूँ जब तक वो मुझसे मांगे नहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन शेयर्स को आगे पब्लिक में ऑफर कर सकती हूँ। ये प्रीवियसली क्योंकि शेयर थे, इशू हो चुके थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि स्टॉक, मैंने यहां से किसी से स्टॉक खरीद लिया प्राइमरी मार्केट में, बॉन्ड ऑप्शन फ्यूचर खरीद के आई हुई हूं मैं, और अब मैंने ये आगे जो है दे दिए, ठीक है। इसको आगे अगर देना है मुझे, फॉलो ऑन देना है, तो ये मैं सेकेंडरी मार्केट में जाती हूँ। इसके फीचर्स देख लेते हैं और हर एक फीचर को एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि हमारे ये जो डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में ये भी क्लियर हो जाए। लॉन्ग टर्म, वेरी गुड सुचित्रा, वेरी गुड इंदु, वेरी गुड, दोनों का आंसर सही है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया पार्ट, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स हो गया, राइट इश्यूज हो गए, इशू ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट, इशू ऑफ डिबेंचर्स, न्यू फंड ऑफर्स, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके प्राइमरी के। और सेकेंडरी क्या क्या है, कोई भी इक्विटी शेयर ले रही हूँ मैं, छोटा सा पार्ट शेयर्स में, उसको एन नंबर में डिवाइडेड है, कोई भी डेरिवेटिव ले रही हूँ किसी और चीज से, गोल्ड के डेरिवेटिव्स हैं, गोल्ड में से अपनी वैल्यू निकाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ले रही हूँ, बहुत सारी कंपनी के छोटे छोटे पार्ट बना के एक एक बंडल में लपेट के उसको दे दिया गया, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इस तरीके से जो ये सारे डेट्स वाली बातें हो गई, ये आपकी आ गई सेकेंडरी मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंज, ये कहीं पे लिस्ट तो होने पड़ेंगे, अगर मैं भी जाके खरीद सकती हूँ आप भी जाके खरीद सकते हो, लेकिन प्राइमरी मार्केट में क्या था, सिर्फ कुछ कुछ लोगों को इशू हो रहा था। अब मुझे तो रिलायंस बुलाएगा नहीं कि आओ हमारे साथ एक कमरे में बैठो, तो मैं कहाँ जाऊँ खरीदने के लिए, मैं जाऊंगी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के पास में जो कि एक्चुअली इनकी मार्केट है, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, OTCII, ओवर द काउंटर, रीजनल एक्सचेंजेस भी होते हैं, उनके पास जाऊंगी कि लाओ भाई मुझे दे दो। इसमें पब्लिक इशू क्या है, पब्लिक इशू में आप एक तरीके से, जैसे मैं किसी स्कूल का एडमिशन करूं, मैं सबसे पहले स्कूल के एडमिशन में आपको क्या दूंगी जरा बताओ चैट बॉक्स में, सबसे पहले अगर स्कूल का एडमिशन होगा तो मैं कोई क्या दूंगी आपको कि ये स्कूल में क्या क्या होता है, ऐसे क्या पेपर दूंगी मैं आपको, क्या दूंगी, प्रोस्पेक्टस दूंगी कि ये देखो मेरे वाले, मैं जो इशू कर रही हूँ ना, ये पहली बार आपके सामने लेके जा रही हूँ प्राइमरी मार्केट में, इसमें ये फीचर्स हैं, मेरा बिजनेस इस चीजों का है, इस तरीके से मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है, ये प्रीवियसली मैंने डिलीवर देखो कितनी सारी चीजें की हुई है, इस तरीके से मैं पब्लिक के पास जाऊं ताकि वो सब्सक्राइब करे मेरी सिक्योरिटीज को, मेरे अंदर, मेरे कंपनी के अंदर पैसा लगाए। अच्छा, ऐसे इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है, ये सारी मेरी टोटल कैपिटल्स को मैं छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इनको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ब्रोशियोर, वेरी गुड आलदीप, इस ब्रोशियोर को क्या कह सकते हैं, प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना, वेरी गुड आदिल, कि मेरे देखो ये चीजें हैं, तो आप पब्लिक इशू में क्या जाते हैं, आप अपना ब्रोशियोर लेके आते हैं या जिसको प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। फिर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एक है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, प्राइमरी मार्केट का पार्ट। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जो है वो अपना पहली बार
शेयर इशू करे, न्यू इशू करे, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। अच्छा मैम थोड़ा एग्जाम्पल दो, एसपीओ करवाती हूँ उसके बाद एग्जाम्पल भी देती हूँ। ठीक है। अगर अब ये लिस्ट हो गई कंपनी, इसको अब फिर से रिवेन्यू रेज करना है, तो वो क्या करेगी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग करेगी। मतलब कि एक बार तो उसका हो चुका है, इसलिए ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, ये सेकेंड टाइम हो रहा है तो ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग हो रहा है। फिर है राइट इशू। राइट इशू क्या है, कोई भी लिस्टेड कंपनी जिसने अब अपना फॉलो ऑन भी करवा दिया, आईपीओ भी करवा दिया, एफपीओ भी करवा दिया, अगर ये अपने लिस्टेड जो कंपनीज हैं वो और जाएं किसी के पास में, अब जाने के बजाय अपने ही शेयर होल्डर्स के पास चले जाएं कि प्लीज हमें पैसा दे दो, तो वो आता है आपका राइट इशू। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है। मैं सावेरी अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ जिसके अंदर मुझे लगेंगे 1,00,000 करोड़, और मेरे पास, मैं अगर अपने रिलेटिव से भी मांग लूँ, सबसे मांग लूँ, तो भी मुझे ये पैसा नहीं मिलेगा। मैं जाऊँ बैंक के पास में कि मुझे लोन दे दो, बैंक कहेगा इंटरेस्ट पेमेंट लगेगी, और लाओ कोलेटरल दिखाओ, एटलीस्ट 50% का तो कोलेटरल दिखाओ, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो मैं क्या जाऊंगी, मैं पब्लिक के पास जा सकती हूँ, और पब्लिक को बड़ा ट्रस्ट है, मैं पुराना नाम हूँ और उनको पता है कि ये वाला काम ये कर सकती है, और मैं कुछ गिवन पब्लिक के पास जाऊँ पब्लिक इशू करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 1,00,000 करोड़ को लेने के लिए। क्या हुआ, ये मेरा बिजनेस जो था वो चल गया। अब लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे क्या है, 50,00,000 की जरूरत है, 50,00,000 या 1,00,000 की जरूरत है। ठीक है। अब मैं एक बार तो लिस्ट करवा चुकी हूं, तो मुझे अब लिस्टेड कंपनीज को फर्दर और लोन लेना है, तो मैं और कुछ लोगों के पास चली जाऊंगी इस तरीके से लिस्टेड कंपनी बनके कि जरा आप मेरे शेयर्स खरीद लो मेरी कंपनी में और मुझे पैसे दे दो, मुझे 1,00,000 भी मिल गए। अब क्या हुआ, बीच में कोविड आ गया और मुझे एकदम इमिडिएटली क्या हुआ, 10,00,000 रुपए की जरूरत पड़ी और मेरे पास थे नहीं पैसे। अब मैं क्या करूं, मैं रेदर देन पूरी की पूरी पब्लिक को बताने के लिए जाऊं कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो मंदी में चल रहा है, मैं क्या करूंगी, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाऊंगी कि प्लीज मुझे पैसे दे दो, 10,00,000 रुपए ही है, थोड़े से शेयर ले लो आप, एक आधा शेयर मेरी कंपनी में और ले लो और मुझे ये पैसे दे दो। वो है राइट इशू, एक लिस्टेड कंपनी जाए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है। इस तरीके से मेरा बिजनेस चल गया। अच्छा, ये बिजनेस समझिए एजुकेशन रिलेटेड ही था, और मुझे क्योंकि लोगों का मेरे ऊपर एजुकेशन में ट्रस्ट था तो उन्होंने इसमें पैसे लगा दिए। अब मैं जाऊं कि कोई नमकीन बेचने के लिए जाऊं। ठीक है, मुझे खाना बनाना भी पसंद है, मुझे, मैं नमकीन का बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ। अब बोलेंगे मैम अब आप पे तो कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, आप नमकीन, आप एजुकेशन में तो हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेते, ये नमकीन पे तो हमें कोई ट्रस्ट नहीं है आप पे। तो मेरा, अगर मैं बोलूं कि मुझे इतना 10,00,000 करोड़ चाहिए इसके लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आईपीओ तो मेरा फेल हो जाएगा। आईपीओ में जितना आपने शेयर डाले हैं कि इतना शेयर मुझे चाहिए, इतना पैसा मुझे रेज करना है, उससे अगर कम रह जाते हैं तो वो आईपीओ फेल हो जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो फेल हो जाती है। तो मुझे पता है पक्का मेरा आईपीओ फेल करेगा, तो मैं क्या करूंगा, हश हश थोड़ा सा चुपके चुपके, मतलब एक तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट करूंगी उसको, बहुत ही सिलेक्टेड ग्रुप को बनाऊंगी जिन्होंने मेरा खाना चखा है, जिनको कॉन्फिडेंस है कि मेरे ऊपर थोड़ा बहुत कि ये तो कोई ना कोई बिजनेस तो कर ही लेगी ठीक ठाक सा, तो मैं उन लोगों को बुलाती हूँ ताकि मेरा आईपीओ जो है वो फेल ना करे। इस तरीके के प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है ना, मैं लिमिटेड लोगों को बुला रही हूँ, पब्लिक तो नहीं है, सभी को तो नहीं पता कि इसने ये लिस्ट करवाई, इसने ये करवा रहा है, आईपीओ करवा रहा है, कुछ कुछ लोगों को पता है, तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्लियर है।
मतलब लेकिन अनलिस्टेड, वो इनिशियली तो लिस्ट करवा के वो एक सेबी के रूल्स को तो फॉलो करेगी, बट वो इनिशियली करवा रही है। बहुत सारे स्टार्टअप्स है जिनको करना है, वो इनिशियली तो अनलिस्टेड ही है ना, जीरो से ही शुरू कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि अगर स्टार्टअप को करवाना है वो सेबी के रेगुलेशंस तो फॉलो करेगा, लेकिन है तो वो अनलिस्टेड ही। मतलब कि एक तरीके से प्री आईपीओ भी होता है। अब सेबी की रेगुलेशन जो आप कह रहे हैं चेंज होती रहती है, अब आपको लिस्ट करवाना पड़ता है, तो वो प्री आईपीओ हो गया कुछ स्टार्टअप्स के लिए। अच्छा, कुछ प्रेफरेंस इश्यूज दिए जाते हैं कुछ स्पेशल जो शेयर होल्डर्स हैं, ताकि उनको ज्यादा डिविडेंड पे हो। और डिविडेंड मतलब कि प्रॉफिट अगर वो रेज करता है कंपनी, तो ज्यादा सबसे पहले डिविडेंड उन्हीं को पे किया जाए। उस तरीके के एक इशू को कहते हैं डिविडेंड इशू। और फिर है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इशू, जिसके अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होता है बाय द कंपनी टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स। ठीक है, इसके अंदर आपको सेबी की ना परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इन इन लोगों को बेच रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा शेयर बेच रहे हैं आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, और आपको सेबी से क्या है उसकी अलाउमेंट लेना पड़ेगा। हो सकता है आपकी जो कंपनी है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है वो प्राइवेट ही लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और कोई बाहर की कंपनी उसके सारे शेयर्स खरीद ले। इस तरीके से बड़ा नुकसान हो सकता है कंट्री का अलग से, इसलिए सेबी से आप स्पेशल परमिशन लेंगे। इज दिस क्लियर? हाँ, लेकिन फेल करवाना ही क्यों है? मतलब कि दैट इज अ रॉन्ग सिग्नल टू द मार्केट। आई वॉज टेलिंग दैट कि रॉन्ग सिग्नल टू द मार्केट जाएगा, तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर लो। और हमारे पास तो इंडिया में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं आईपीओ फेल करने का, जैसे सीसीडी का कर गया था आईपीओ फेल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कर गया था, तो वो एक अच्छा सिग्नल तो नहीं है। प्रेफरेंस इशू आप दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स को, जिनके पास ये शेयर्स हैं, प्रेफरेंस इश्यूज हैं, उनको डिविडेंड में, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो पे किया जाता है। उसके अंदर अगर आप शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट का पार्ट जो है वो इशू कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास प्रेफरेंस इशू है, उनको डिविडेंड में प्रेफरेंस दी जाएगी। उनको सबसे पहले डिविडेंड पे किया जाएगा और ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी उनको पे किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए सारों के ना डेफिनेशंस लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से मतलब पीडीएफ में शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट की। ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे गिल्ट एज्ड मार्केट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, क्या होता है गिल्ट एज्ड मार्केट?
बॉन्ड्स वर्सेस डिबेंचर, एक फंडामेंटल डिफरेंस है बॉन्ड्स और डिबेंचर में। बॉन्ड्स आप तब इशू करते हो जब आप शुरू शुरू में आपने पैसे रेज करने हैं, आपका बिजनेस शुरुआत हुई है, और डिबेंचर्स जो है वो डेट के ही, आप लोन ही एक तरीके से रेज कर रहे हैं, लेकिन आगे बिजनेस जो चल रहा है आगे तक जो है, जो उसका कोर्स है उसके अंदर आप अगर लोन लेते हैं तो इस तरीके से रेज करते हैं, तो ये डिफरेंस है। बॉन्ड शुरुआत इनिशियल हो गया आपका, डिबेंचर जो आ गया आप थ्रू आउट द बिजनेस प्रोसेस ले सकते हैं। गवर्नमेंट बैक्ड, वेरी गुड। सुचित्रा इज गवर्नमेंट बैक्ड। गिल्ट एज का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के बैक्ड सिक्योरिटीज हो, मतलब कि बहुत ही अच्छी सिक्योरिटीज है ये। अब इसके अंदर रेगुलेट कौन कर रहा है, याद कीजिए पहले बैंकर है ये, एजेंट है आपके किसका, गवर्नमेंट का, आरबीआई। आरबीआई ही इनको रेगुलेट करता है। इनकी जो मैच्योरिटीज हैं वो लेस देन वन ईयर है। और इस तरीके से जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज हैं जो कि कॉर्पोरेट बैक्ड है उनको सेबी रेगुलेट करता है। ये डिफरेंस है। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें और पढ़ लेते हैं। एक होता है डी मैट अकाउंट, डी मेटीरियलाइज अकाउंट, मतलब कि मटेरियल के सेंस में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है। बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली आपकी सेव्ड होती है। किनके पास सेव्ड होती है, कुछ डिपॉजिटरीज के पास सेव्ड होती है, जैसे कि CDSL और NSDL, ये दो आपकी सेंटर और नेशन की आपकी दो इंस्टीट्यूशन है जो ये डीमैट अकाउंट मेंटेन करके रख सकती है। अच्छा, एक स्वेट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रिसेंटली बहुत फेमस भी हुआ है। क्या हुआ, कोविड के टाइम में ना बहुत सारी कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज को पे नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि रेदर देन पेइंग यू कैश में, मैं आप मेरे कंपनी के थोड़े शेयर्स ले लो, क्योंकि अभी मैं इतने मेरे पास पैसा है नहीं कि मैं आपको पे कर पाऊं। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलिए गाइस, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। रेपो रेट रेफर्स टू आरबीआई बोरो शॉर्ट टर्म फ्रॉम द मार्केट। शॉर्ट टर्म अगर आरबीआई बोरो करे मार्केट में से, बैंक कीप इट विद द मनी विद द आरबीआई, जो बैंक जो है उसको मनी जो रखना पड़ता है आरबीआई के साथ में। फॉरेक्स परचेस्ड बाय आरबीआई, जो फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज जो आरबीआई जो है वो ले रहा है, या बिल्स डिस्काउंटेड बाय आरबीआई, जो बिल्स हैं डिस्काउंट किए गए हैं आरबीआई के थ्रू। क्या करेक्ट आंसर है? बैंक्स जो पैसा रखती हैं आरबीआई के साथ वो क्या है? सीआरआर है वो तो। बिल्स डिस्काउंटेड बाय आरबीआई, बिल्स को डिस्काउंट कर रहा है, मतलब कि उस पे कुछ इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं आप, और एक तरीके से लोन दे रहे हैं अपने किसको, किसी भी बैंक को, तो आप क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है, आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। Which of the following is not a public sector bank? इनमें से कौन सा public sector bank नहीं है? सुचित्रा, you are correct. Federal bank, Corporation bank, United bank of India या Vijaya bank? D, इंदु correct है, आदिल correct है। कौन सा इसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है? फेडरल बैंक जो है इसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि पब्लिक दिया हो और
प्राइवेट सेक्टर बैंक दिया हो उसके अंदर मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं। विच बैंक इज द एपेक्स बैंक? एपेक्स मतलब कि सबसे ज्यादा सुप्रीम। नबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI या एक्सिम बैंक? ए वॉज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकेंड आंसर क्वेश्चन। वेरी गुड सुचित्रा। थर्ड का क्या आंसर आएगा? एपेक्स बैंक। ऐसे सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, मतलब ये लोग सुप्रीम है, सबसे ऊपर है इनकी वैल्यू। कौन है? सुचित्रा इज सिंह बी, आदिल सिंह बी, प्रियंका सिंह बी, RBI। एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, RBI इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपके लिए डेफिनेशंस भी लिख दिया है यहाँ पे। एक्सिस बैंक को फॉर्मली क्या कहते थे? UTI बैंक, यस बैंक, सिटी यूनियन बैंक या HDFC बैंक? क्या कहते थे? UTI बैंक कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस बाय बैंक इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ? बैंक्स की ओपनिंग के लिए इनमें से एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। सेक्शन 23, 24 या 45? कौशिप सिंह ए, आदिल सिंह सी, प्रियंका सिंह ए, इंदु सिंह ए? ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। सेक्शन 23 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये लिखा हुआ है कि ओपनिंग ऑफ बैंक जो है वो किस प्रोविजन से गवर्न होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व दैट द बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप विद RBI इज कॉल्ड? जो कैश रिजर्व है जो बैंक को रखना पड़ता है विद RBI, उसे क्या कहते हैं? नेट बैलेंस टाइम लाइबिलिटी कहते हैं, CRR कहते हैं, SLR कहते हैं या लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं? सुचित्रा सिंह बी, कौशिप सिंह सी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? आदिल सिंह बी, इंदु सिंह सी? क्या है आंसर? सिर्फ कैश रिजर्व बोला हुआ है और कोई चीज नहीं बोली हुई है, एडिशन में नहीं बोला हुआ है फॉरेक्स या गोल्ड वगैरह, तो CRR इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड निशु, इंदु, स्टूडेंट, आदिल, प्रियंका, तौसिफ, वेरी गुड गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर्स रेपो इज द टूल यूज्ड बाय RBI टू डू विद विच ऑफ द फॉलोइंग? रिवर्स रेपो रेट है, इसका मतलब क्या है? RBI बोरो कर रहा है बैंक में से, वो किस चीज के लिए है? इंजेक्ट द लिक्विडिटी, एब्सॉर्ब द लिक्विडिटी, इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम या टू कीप द लिक्विडिटी एट वन लेवल? इसलिए होता है, बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया होगा मार्केट में, उसको बाहर निकालने के लिए होगा। एब्सॉर्ब द लिक्विडिटी, बी इज द करेक्ट आंसर। किसका करेक्ट है? किसका करेक्ट है? निशु, इंदु, रीनू, आदिल, सुचित्रा, वेरी गुड गाइस, प्रियंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्रायर अप्रूवल एज ऑल्सो अ लाइसेंस ऑफ RBI इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ अ पर्सनल बैंकिंग ब्रांच,
मर्चेंट बैंकिंग ब्रांच, एसेट रिकवरी ब्रांच या ऑल ऑफ द अबव? क्या है? सारे तरीके के आपको एसेट रिकवरी बैंक, बैंकिंग का बैंक, पर्सनल बैंकिंग, किसी भी के लिए भी आप कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आप कर रहे हैं, उस सभी में आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए। किसका? आरबीआई का। डी इज द करेक्ट आंसर। 8th का सुचित्रा, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन। मैं वैसे होमवर्क देती इसको, लेकिन पुराने रिकॉर्ड से मुझे ये पता है कि कोई सॉल्व नहीं करके आएगा, तो अभी बता दीजिए। व्हाट इज मेंट बाय हॉट मनी ऑफन सीन इन द न्यूज? हॉट मनी का क्या मतलब होता है? द टर्म यूज बाय द फ्रेश करेंसी इशूड बाय आरबीआई। इट इज द फंड विच फ्लोज इन द मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स। इट इज द फंड्स विच इज थ्रोन इन द मार्केट टू क्रिएट इम्बैलेंस इन द स्टॉक मार्केट या ऑल ऑफ द अबव? चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे। एसेट रिकवरी जिस तरीके, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो, ताकि आप मैक्सिमाइज कर पाओ अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को, उसमें अगर आपको बाय चांस कोई आपका एसेट है जो कि उतने पैसे आपके लिए अर्न नहीं कर रहा है, तो उसको लिक्विडेट करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से एसेट रिकवरी कुछ ब्रांचेज होती है, सभी बैंक्स की होती है, महाराष्ट्र बैंक की, एसबीआई की, अपनी अपनी एसेट रिकवरी होती है। वो ज्यादा आपको इतना टेक्निकल उसमें नहीं पूछा जाएगा कि बिल्कुल ही डिटेल में। क्या होता है हॉट मनी? हॉट मनी इस तरीके का पैसा है जो एक जगह इधर चला गया, फिर उधर चला गया उठ के, और वो आप क्या कर रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं अलग अलग मार्केट में से हायर इंटरेस्ट रेट का, इधर उधर जाता जा रहा है ताकि आप ज्यादा अर्न कर पाए। इस तरीके से अगर आपको एडवांटेज मिलेगी उसको हायर इंटरेस्ट रेट की, तो वो हॉट मनी कहलाता है। ठीक है, गर्म मतलब कि वो एकदम वॉलेटाइल है पैसा, और वो अलग अलग मार्केट में आप डाल रहे हैं ताकि हर जगह से आपको बेटर इंटरेस्ट रेट से आपको एक इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल पाए आपकी, उसे कहते हैं हॉट मनी। तो किसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे? स्टूडेंट सुचित्रा, वेरी गुड गाइस, स्टूडेंट एंड सुचित्रा, वेरी गुड। दी इज द करेक्ट आंसर। इंदु बी इज करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। गाइज अब आपका मॉक टेस्ट में की अनाउंसमेंट है कि जैसे हम वीकेंड पे लेते हैं सैटरडे को, वैसे ही हम लेते रहेंगे, ठीक है। और आप सावेरी 10 यूज कर सकते हैं कोड हमारी स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए और 10% के डिस्काउंट के लिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस आपको 10 फ्री दिए जा रहे हैं, जिनकी कल क्लास पेपर 1 के लिए 9 PM है और 2 PM वेडनेसडे को पेपर 2 के लिए है, ठीक है। और आज नेक्स्ट क्लास आपकी 8 PM पे है यूट्यूब पे ही, पेपर 1 के लिए, जिसके अंदर हम डेटा इंटरप्रिटेशन को देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही आदिल और स्टूडेंट, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। तो दिस वाज द फाइनल क्लास गाइस। मैंने अब आपके 6 सब्जेक्ट्स जो है वो रिवाइज करवा दिए हैं ऐसे ही स्कोर बूस्टर सेशंस के साथ में। अब नेक्स्ट आप डिसाइड करना कि आपको किस सब्जेक्ट के करनी है क्लास, ठीक है। और कल के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताइए, मैं आपकी 3rd क्लास भी कल ले सकती हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में, आई विल मेक अनदर इवेंट फॉर यू। आई होप तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि मैं साथ साथ में आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही थी।
ऑलराइट गाइस, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज नहीं है कोई भी स्पेशल क्लास, 8 PM पे आपकी, क्योंकि सेकंड क्लास आपकी यूट्यूब पे है 8 PM पे, ठीक है। कल आपके लिए दो तो है ही, मैंने शेड्यूल बता दिया, आप तीसरी अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। बजट और सेंसस पे दोबारा क्लासरूम, मैंने सुचित्रा, मैंने वैसे पहले क्लासेस ली हुई है, अभी रिसेंटली ही ली है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके करवाया है, गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे बजट में, और फिर आपका इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री की रिवीजन और करंट अफेयर्स, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके लगातार ही क्लासेस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं। इकोनॉमेट्रिक्स तो जस्ट अभी हुआ ही, ओके। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स ले लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं आदिल, मैंने वैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी एक क्लास ली है जिसमें हमने इकोनॉमिस्ट डिस्कस किए हुए हैं, सिर्फ ग्रोथ की मैंने लाइनअप कर दी है, एक मैक्रो वाला भी रिवाइज कर लेंगे। ग्रोथ इकोनॉमिस्ट आप पहले कह रहे थे रिवाइज कर दीजिए, वो मैंने आपके लिए लाइनअप इसी वीक में मिलेगी आपको, उनके थॉट्स, उनके नाम, उनकी बुक्स दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं एक बार इसी वीक में, ठीक है। ऑलराइट गाइस, जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एट 8 PM। Take care, guys, and bye-bye. You-